हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और दिमाग में क्या है। सो दिल में क्या है हम देखेंगे इस डेक से, और दिमाग में क्या है वो हम देखेंगे इस डेक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम दिमाग में क्या है चेक करेंगे, और फिर दिल में क्या है ये भी चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिमाग में क्या है इस वक्त आपके पर्सन के, दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो गाइज़ दिमाग में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है किसी न किसी बर्डन के तले, किसी न किसी बोझ के तले। और इस बोझ की वजह से, इस बर्डन की वजह से, या इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, ये बहुत कुछ है जो अपने माइंड में छुपा कर रखे हैं। बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वांड्स विद हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली बहुत कुछ है जो इन्होंने छुपा कर रखा है, बहुत कुछ है जो बर्डन की वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिसिव हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी है। ये नहीं चाहते कि आप किसी और की लाइफ में जाएं, ये नहीं चाहते कोई आपकी लाइफ में आए। ये भले ना आ पाएँ, ये भले ना आपको मैसेज कर पाएँ, बट ये कभी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर चले जाओ। जिस दिन इनको ऐसा लगे कि आप इनको छोड़कर चले गए हो, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, या आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन की एंट्री हो रही है, तो ये भागकर उन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, जिन सिचुएशंस की वजह से आज आप रो रहे हैं। तो जब तक इनको आपको खोने का डर नहीं होगा, ये उन बर्डन्स में दबे रहेंगे। इनके मन में ये चीज़ें क्लियर हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत हाई हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कई बार बहुत रूड बिहेव करते हैं आपके साथ, थोड़ा अग्रेसिव आपके साथ बिहेवियर हो जाता है, कभी कभी अब्यूसिव बिहेवियर हो जाता है। ये आपको कुछ बोल देते हैं, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से आप आगे बढ़ जाओ, आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, इनके चक्कर में आप रुके हुए हो, या इनके चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कई बार ये अपने आप से आपको दूर करने की कोशिश करते हैं, बहुत बुरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अब आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे ही आपसे दूर जाते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के अंदर, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आप सच में मूव ऑन ना कर जाओ, आप सच में इनको छोड़कर ना चले जाओ, तो ये एक ऑब्सेशन है। तो फिर ये खींच कर वापस आते हैं, ये टेलीपैथिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आना, आपके एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। तो ये इनके दिमाग की सिचुएशन है, देख लेना आपसे कहाँ तक रेजोनेट करता है। दिल में क्या है देखते हैं, आपके लिए दिल में क्या इंटेंशंस हैं, ट्रू फीलिंग्स दिल में क्या है एंजल्स। देखिए, दिल में भी द वर्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं ये आपके साथ, यूनाइट होना चाहते हैं, कनेक्शन दिल और दिमाग दोनों से आपके साथ फील करते हैं। साथ ही साथ दिल में सबसे पहला ही कार्ड यहाँ मैसेज का है, तो इनका दिल हमेशा करता है कि आपसे बातें करते रहें, आपको मैसेज करते रहें, आपकी तरफ आ जाएं, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें। दिल इनका ये भी कहता है कि मुझे कमिटमेंट अगर देनी है तो इसे ही देनी है, किसी और को कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। चाहे आप इनसे कितना भी झगड़ा कर लें, कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स कर लें, कुछ भी बोल दें, बट ये हमेशा यही चाहते हैं कि ये कमिटमेंट अगर दें तो आपको दें। ये दिल के अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, एक
इस रिश्ते में एक फ्रूटफुल रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में रहोगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ आएगा। इनकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्यार, इमोशंस, सब कुछ आ जाएगा, पूरा कंप्लीट पैकेज। ये आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इनका दिल आपके बिना बेचैन रहता है, ये हमेशा चाहते हैं कि ये आपको देखते रहें, कहीं ना कहीं से ये आप पर नज़र रखें। साथ ही साथ जब इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे नज़र रखने के बाद कि कहीं आप किसी और की तरफ हो या किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या कोई है जो आपके हर वीडियोज़ पे, हर फोटोज़ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेंट कर रहा है या कर रही है, किसी और की तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली या फिज़िकली इंक्लाइंड हो रहे हो, तब इनको टेंशन होती है। और तब ये स्पाई करते करते फिर वापस आ जाते हैं, मैसेजेस करते हैं, बात करते हैं, आपसे घुमा फिरा के सारी चीज़ें उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में क्या है, किसके लिए है। तो ये इनके दिल में है और वो उनके दिमाग में था। तो ये है गाइस दिल और दिमाग की एनर्जी, देखिए आपसे कहाँ तक रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।